Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our petrol drives and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब grandfather जो है इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि गुस्सा में वो क्या करते हैं, अपना रेवेंज लेने के लिए गुस्सा में वो जो आते हैं कि वो अपने पैकेट से निकालते हैं पेट्रो ट्राइज, जो वो भी अपने साथ लेकर के आते हैं अपने पॉकेट में, वो निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए बोलते हैं कि इसका मुझे कितना पे करना होगा, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स का तो चार्ज ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टॉइस, प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्राइम्फेंट लुक एंड सेड, "नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग." अब टिकट कलेक्टर जो है वो टॉर्टॉइस को देखता है और अपने फिंगर जो फोर फिंगर होता है उससे उसे टच करता है, उसे छू करके देखता है और उसे खुशी से बोलता है कि नहीं, ये इसका चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर एज ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। अब जब ग्रैंड मदर को फाइनली पता चल जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेती हैं टोटो को एज अ पेट, तो उसे टोटो को एक कंफर्टेबल घर मिल जाता, होम मिल जाता। वो कहाँ पे मिलता है? स्टेबल में। स्टेबल में जहाँ पे उसका कंपेनियन, उसका साथी कौन होता है? फैमिली डोंकी नाना, यानी एक डोंकी भी था जो ग्रैंड फादर का क्या रहता है, पेट रहता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। अब फर्स्ट नाइट को क्या होता है, जब जिस दिन उसको रखा जाता है टोटो को स्टेबल में, उस दिन जो है ग्रैंडफादर देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं कि टोटो जो है वो कंफर्टेबल उस स्टेबल में है कि नहीं है। जब वो आते हैं तो वो सरप्राइज रह जाते हैं, वो देखते हैं कि नाना जो डोंकी है वो क्या कर रहा, पूरी कोशिश कर रहा है, वो हॉल्टर मीन्स होता है जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, तो वो जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, खींच रहा है, और जो उस खाना रखा हुआ बंडल ऑफ हे, यानी जो उसे खाना मिला हुआ है, घास वास जो होता है उसको खाने को जो दिया गया है, वो उससे अपना दूर रख रहा है और अपनी रस्सी को खींच रहा है। अब रीज़न क्या होता है? ग्रैंड फादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। अब ग्रैंडफादर जो हैं जब जाते हैं और देखते हैं कि डोंकी जो है वो खाने के पास से अपने आप को बार बार हटा रहा है, अपना सर को खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है, तो ग्रैंडफादर इसी तरह से उसे स्लैप करते हैं, उसके हॉन्चेस में, उसके पीठ पे स्लैप करते हैं। और जब वो स्लैप करते हैं तो वो क्या होता है, वो जग करती है और पीछे आ जाती है, और उसके साथ साथ टोटो भी आ जाता है। टोटो क्या होता है एक्चुअल में, कि टोटो ने क्या किया हुआ था, उसके कान जो लंबे लंबे कान थे उस डोंकी के, उसने टोटो ने क्या किया था कि अपने शार्प टीथ से उसके कान को चबा रहा था, जिसकी वजह से डोंकी इस तरह से कर रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब बताता है, राइटर बता रहे हैं कि टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब क्या होता है, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रीट कोल्ड विंटर जब इवनिंग रहता है और टोटो को ग्रैंड मदर क्या करती हैं, नहाने के लिए बॉल में गर्म पानी देती हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। अब क्या होता है कि ग्रैंड मदर जब उसे पानी देती हैं, गर्म पानी का बॉल देती हैं, तो वो क्या करता है, टेस्ट करता है टेम्परेचर कि पानी कितना गर्म है अपने हाथ से, और उसके बाद वो नहाने के लिए
आगे बढ़ता है, बता रहे हैं कि पहले वो अपना फर्स्ट फुट आगे बढ़ाता है फिर दूसरा, और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बता रहे हैं कि राइटर को जब वो देखता है ऐसा करते हुए तो वो भी इसी तरह से करता है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, उसके बाद वो फिर क्या करता है, नेक पे पानी डालता है। तो यहाँ पे दिखाया है कि वो टोटो जो है वो कैसे नहाता है। पहले वो अपने फिंगर से पानी को के टेम्परेचर को टच करता है कि कितना पानी टेम्परेचर है, हैंड पे डालता है, फिर उसके एक फुट पे डालता है, फिर दूसरे पे, उसके बाद वो नेक पे डालता है। वंस कंफर्टेबल ही वो टेक द सोप इन हीज ए हैंड और फिट और रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसे लगता है कि पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, देन वो सोप लेता है और अपने हैंड और फेट पे रब करता है और फिर पूरे बॉडी पे। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब क्या होता है कि जब पानी अगर ठंडा किसी दिन उसको मिल जाता है तो वो दौड़ करके भागता है, जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता है वो किचन की तरफ भागता है। किचन में जहाँ पे आग जला होता है, उसे लगता है कि वो क्या करेगा, उस आग में अपने आप को सुखाएगा, और अगर कोई उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसकी इस हरकत पे कोई हंस देता है तो उसके फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं, यानी टोटो जो है वो हर्ट हो जाता है और फिर वो नहाने नहीं जाने लगता है। बता रहे हैं कि एक बार तो का तो इंसिडेंट है कि एक बार टोटो जो है वो खुद को ज़िंदा जो है वो बॉयल करने जा रहा था, दैट मीन्स पूरे गर्म गर्म पानी को अपने बॉडी पे डाल लेता है जिससे लगता है कि वो बॉयल हो जाएगा। अब आगे बता रहे हैं, अ लार्ज किचन कैटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर ट्री एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लेड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। हिज दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। देन टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉग्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। अब क्या होते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन जो है किचन में रखा हुआ था, उसमें पानी बॉयल हो रहा था चाय बनाने के लिए। टोटो जो है उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो सोचता है वो क्या करेगा, इसे ही यूज़ कर लेगा नहाने का पानी, जिसमें गर्म पानी यूज़ होता है तो उसी में ही वो यूज़ कर लेगा।